नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून की गतिविधियों में हलचल देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से बीते दिन गुरुवार को राजधानी पटना सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहे, जहां हवाओं की चाल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। इसके साथ ही गंगा नदी भी उफान पर है, जिससे राजधानी में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। इसके साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की उम्मीद है। उत्तर बिहार के कई जगहों पर आकाशीय बिजली चमकने के साथ भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना जिले में 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा समेत पुनपुन, दरघा और कररुआ नदियों का जलस्तर बीते दिन खतरे के निशान से ऊपर चली गई। वहीं सोन नदी का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण तटबंध ऊपर दबाव बढ़ाया, कई इलाकों में पानी घुस गया। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और बरसाती नदियों के बारिश के पानी के कारण पटना इन दिनों चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस बल को बांध और सुरक्षा दीवारों को लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश जारी किया है। रात के समय में भी गंगा के जलस्तर की निगरानी रखने की बात कही है। साथ ही बांधों के कटाव को रोकने के लिए बालू का इंतजाम भी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य बिहार होकर ट्रफ लाइन गुजर रही है। सूबे में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय है, जिसकी वजह से कई जगहों पर ठनका गिरने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और चलिए अब देखते हैं बिहार में जिलेवार ढंग से अगले 3 दिन 7, 8 और 9 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का हाल। बात करें उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज की, तो 7, 8 और 9 अगस्त को इन जिलों के कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा होने का अनुमान है। उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में 7, 8 और 9 अगस्त को इन जिले के कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है। पहले भी इसके अपेक्षा मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में अगले 3 दिन 7, 8 और 9 अगस्त को भारी बारिश होने का अनुमान है। बात करें दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ जगहों पर अगले 3 दिन 7, 8 और 9 अगस्त को बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय की बात करें तो यहाँ अगले 3 दिन 7, 8 और 9 अगस्त को कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो यहाँ भी अगले 3 दिन 7, 8 और 9 अगस्त को इन जिले के कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। खासतौर पर राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो इन दिनों आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। राजधानी पटना सहित इसके सटे इलाके के एक दो जगहों पर बारिश की भी संभावना है, जहां अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मौसम को लेकर यह जानकारियां महज एक संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।